नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां दरगाह शरीफ के आगामी जेठ मेले की तैयारी को लेकर एसपी सिटी कमेटी के अध्यक्ष ने किया निरीक्षण और दिखाएंगे जशपुर में कैसे ओले और तेज हवाओं ने बरपाया कहर। आगे चर्चा करेंगे मधुबनी की, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक सरगुजा एसपी बंगला के सामने ट्रक के नीचे आकर एक अज्ञात युवक ने अपनी जान दे दी है। दरअसल अंबिकापुर शहर के हृदय स्थल गांधी चौक में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब गांधी चौक पर रेड सिग्नल की वजह से खड़ी ट्रक के नीचे एक अज्ञात युवक आ गया। जब तक ट्रक चालक को पता चल पाता तब तक ट्रक अज्ञात युवक के ऊपर चढ़ चुका था। इधर स्थानीय लोग भी उसे भागते हुए निकलने का प्रयास करने पहुंचे। तब तक रेड से ग्रीन सिग्नल होने की वजह से ट्रक भी अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगा था। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इधर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात युवक के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये पूरी घटना सरगुजा एसपी बंगला के सामने घटी। अंबिकापुर से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सैयद सालार मसऊद गाजी की दरगाह पर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले वार्षिक जेठ मेला 2024 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट बहराइच को मेला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम बहराइच व उपजिलाधिकारी सदर बहराइच को सहायक जिला मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर को सह पुलिस प्रभारी तथा सहायक मेला मजिस्ट्रेटों के साथ क्रमशः प्रभारी निरीक्षक नगर देहात व थाना अध्यक्ष दरगाह शरीफ को सह पुलिस प्रभारी नियुक्त किया गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट जेठ मेला 2024 के ओवरऑल प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर ओवरऑल सह पुलिस प्रभारी नामित किए गए हैं, जो मेले में तैनात सभी अधिकारियों से समन्वय रखते हुए शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कड़ी निगरानी रखने के लिए है। आदिम साहब, हम लोग जानना चाह रहे हैं जो यहाँ पर गट्ठरों में दरखास्त लगा हुआ है, इसका क्या महत्व है? इसका मतलब यह है कि जो भी जायरीन आता है अपनी परेशानी लिख के लगाता है और यहाँ से शिफा मिलता है सरकार की। अच्छा, किस किस्म की बीमारियों से यहाँ खास? हर चीज की बीमारी, दुखी, परेशानी और पेट, मतलब जो भी परेशानी है, जितनी भी तकलीफें हैं तमाम बीमारी है, सफ़ेद दाग है और भी जितनी भी परेशानी सब लिख के लगाई जाती है। और सो भी जितना भी हाजिरी का सो भी मामला सब लिख के लगाई जाती है। मेला जेठ कब से है? जेठ मेला 30 मई से चालू, 2 जून के बारात है बाबा की और रस्म बाबा की बारात होगी, उसी दिन रस्म बाबा की रस्म होगी, बारात मनाई जाएगी। सर, आज हम लोग दरगाह में खड़े हैं और 30 मई से यहाँ पे दरगाह मेला शुरू हो, इसकी सुरक्षा के संबंध में आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले जो व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी उसी बार इस बार और अच्छी व्यवस्था देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे दरगाह शरीफ का और जहाँ जहाँ से श्रद्धालु आते हैं चादर चढ़ाने के लिए सब जगह हम लोग भ्रमण करके उन स्थानों को देख रहे हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बढ़ाएंगे। और इस बार हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो हम दरगाह कमेटी से लोगों से कहेंगे भी कि इस बार थोड़ा 5-6 वॉच टावर बनाने के लिए, तहाँ रात में हमारी पुलिस वहाँ उस वॉच टावर पर खड़ा करके टार्च से पूरी निगरानी रख सके। हमारे साथ ये दरगाह मेला के अध्यक्ष जी संसाद अहमद जी खड़े हैं। संसाद जी, यहाँ पे दरगाह में जो जायरीन आते हैं इनकी इनके सुविधा के लिए क्या व्यवस्था आपके पास? दरगाह शरीफ उनके रहने के लिए बड़े बड़े बागों में अपना वही रुकवाती है, सफाई, बिजली, पानी की सारी व्यवस्था दरगाह करती है। इस संबंध में जिलाधिकारी बैठक के महोदय के अध्यक्षता में बैठक होनी है जो 2-3 दिन में हो जाएगी, चुनाव की वजह देर हो गई है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है, कई बैठकें हम लोग के आपस में हो चुकी है, सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं और दरगाह इंतजामिया पूरी जायरीनों की देखभाल के लिए हर तरह से तैयारी करेगी। आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश है? हम उनसे कहेंगे कि अपना आप लोग आइए, यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग आइए, यहाँ पे रहने की, सफाई की, बिजली की सारी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई समस्या होगी उसको हम लोग निपटाएंगे, अभी फिलहाल कोई समस्या यहाँ नहीं है। मेला कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? 30 मई से शुरू होगा, 30 जून तक चलेगा जो हर साल की तरह चलता है। 2 जून को मेन डे है, खास प्रोग्राम होगा। इस बार बाहर से जो आपके यहाँ प्रोग्राम आते हैं वो लगभग संचित व्यवस्था में लोग आएंगे? अभी सभी लोगों को इत्तला भेज दी गई है, प्रोग्राम आते हुए आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी और जनता को भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज तेज रफ्तार आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर तेज बारिश की तबाही से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। उड़ीसा सीमा से लगे जशपुर जिले में बारिश से हुई तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बीते 4 से 5 दिनों में तेज आंधी तूफान से कई मकानों के छप्पर उजड़ गए हैं। जशपुर जिले में रोज रुक रुक कर लेकिन तेज बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त प्रभावित हो रहा है। पिछले बीते दिन कुनकुरी शहर में एक डॉक्टर के घर की पार्किंग शेड उखड़ कर पड़ोस की छत पर चढ़ गई। वहीं पड़ोसी मौलाना परिवार बाल बाल बचा, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन बुलाकर उतारा गया। वहीं नारायणपुर क्षेत्र के बनकॉम्बो सारंग डांड गांव में तो तेज आंधी तूफान ने वेद प्रकाश अंगीरा के मकान का पूरा छत ही उड़ा दिया। ऐसे कई सारे मकान के छत उजड़ने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें बेमौसम बारिश ने एक तरफ गरीबों का आशियाना ही उजाड़ दिया तो दूसरी तरफ किसानों की फसलें भी बर्बाद कर दी हैं। फिलहाल इस बारे में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कोटौना थाना क्षेत्र में आज सुबह कुशमार गांव से गुजर रहे SH-51 को पार कर रही 55 वर्षीय महिला मुन्नी खातून को पूरब की ओर से आ रहे एक पिकअप वैन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। महिला के माथे पर रखी टोकरी के झटके से पिकअप वैन की विंड स्क्रीन का शीशा टूट गया। इस जानलेवा घटना को देखते ही आसपास के लोगों ने पिकअप वैन को घेर लिया और उसे चला रहे चालक को पकड़ लिया। आनन फानन में गांव के लोग बुरी तरह घायल बेहोश महिला को उपचार हेतु खुटौना CHC ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे फौरन DMCH दरभंगा रेफर कर दिया, किंतु वहां पहुंचने के पूर्व ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृत महिला के शव को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर पोस्टमार्टम हेतु मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के लिए जिम्मेवार पिकअप वैन कब्जे में लेकर तथा चालक, जिसकी पहचान बाबू रही थाना क्षेत्र के मिर्जापुर ढलोकर के मोहम्मद सलमान मंसूरी को हिरासत में लेकर पुलिस खुटौना थाने ले आई। वहीं इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। करके हमारे भाभी की जो है ठोकर मार दी, हमारी भाभी ऊपर को उछल गई, यानी शीशा पे गिर गई और उसके बाद फिर नीचे गिर गया, फिर जो है घिसेड़ते हुए दूर तक चली गई। इतने में जब तक उसको ले गए मृत्यु हुई। अस्पताल ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल से पहले वो वापस आ गई, अस्पताल नहीं जा सके। क्या नाम था उनका? मुन्नी खातून। उम्र क्या रहा होगा? तकरीबन 54-55। शोहर का नाम क्या? मोहम्मद सुल्तान। कितने बच्चे थे? 3 लड़कियाँ हैं। 3 लड़कियाँ? जी जी जी। ये गांव कौन सा पड़ता है? ये कुशमार बस्ती है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना खुटौना है। तो अभी आप लोगों ने सड़क जाम भी किया था? जी, सड़क जाम तो नहीं किया है, सब कुछ यहीं पे हो गया है। तो क्या कुछ मामला हुआ अभी? मामला हुआ, पुलिस वाले लिखला के ले गए, पोस्टमार्टम होने गया है। मुआवजा वगैरह भी मांग कर रहे हैं? इस पे मुआवजा मांग नहीं करेंगे, मुआवजा मांग जरूर करेंगे, ये तो मुआवजा होना ही चाहिए। क्या मांग है आप लोगों का? हम तो सरकार जो नियम है, मृत्यु होने के बाद क्या रकम देते हैं, वो हमको मुआवजा चाहिए, ताकि जो इसके 3 बेटियां हैं उससे गुजर बसर हो सके। अभी जो है गैर शादी शुदा है। तो क्या वो सड़क जाम भी हुआ था कुछ? क्या सड़क जाम नहीं हुआ था, सब कुछ हम सबको यही बोला। आक्रोश किस बात का था? आक्रोश किस बात के है कि एक जो है एक किसी के मृत्यु हो जाने से आक्रोश होता है। सर हमारी भाभी थी, मृत्यु में जो आक्रोश है, और वो मृत्यु जो है एक गाड़ी के जरिए से हो जाए, हादसा हो जाए, उसमें और बहुत ही ज्यादा आक्रोश होता है। काम भी करना चाहिए कि इस तरह गाड़ी वाले जो है बिल्कुल आंख बंद कर गाड़ी चलाते हैं, अवाम उन्नास को लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन और गुजारिश है कि गाड़ी वालों पर रोक लगाए, लगाम लगाए, जब अपनी गाड़ी चलाए तो होश में चलाएं, ताकि एक दूसरे को अवाम उन्नास को लोगों को तकलीफ न हो, लोगों को नुकसान न पहुँचे और ठोकर न लगे। ये सरकार इस बात पर जरूर कार्रवाई करे। कैसे मालूम चला आपको कि ठोकर लग गया है? तो मौके पर ही मौत हो गई थी उनकी? हाँ, उसी टाइम मौत हो गया था। मधुबनी से सीनियर संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के लिए राहत की खबर है। आजम खान को उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों का था, जिसके तहत मुकदमे के वादी और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के थानागंज में मुकदमा दर्ज किया था और आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को रामपुर MP MLA कोर्ट से सजा सुनाई गई थी।
इस विषय पर इस मुकदमे के वादी और रामपुर से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया, सुनिए। देखिए, 3 जनवरी 2019 को थानागंज रामपुर में हमने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का जिक्र किया था। और चूंकि ये मुकदमा पूरा पेपर एविडेंस के आधार पर है, इसलिए 467, 468, 471, 120 बी के अंतर्गत इस मुकदमे को पूरी जांच करने के बाद दायर किया गया था। आजम ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए तंजीम फातिमा और आजम खान दोनों ने शपथ पत्र के आधार पर पहले रामपुर का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, और जब रामपुर के बर्थ सर्टिफिकेट से उनकी एज पूरी नहीं हुई तो लखनऊ का बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर और इस पर इन्होंने उनको विधायक बनाया। पूरी जांच होने के बाद ये सही पाया गया और 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर MPMRA कोर्ट ने इनको सजा की। उस सजा के अगेंस्ट ये लोग MPMRA ADG कोर्ट गए, वहां से भी उस सजा को कंटिन्यू किया गया। फिर इसके बाद इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील की, जिसके अंतर्गत इनको आज इसमें बेल दी गई है। हम पूरे मामले की पूरा जो ऑर्डर है उसको स्टडी कर रहे हैं, और हम स्टडी करने के बाद इस ऑर्डर को लेकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इसको बहुत जल्द वहीं लेकर जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। छतरपुर के चर्चित महेंद्र गुप्ता हत्याकांड का मास्टरमाइंड 90,000 का इनामी आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ रानू राजा को टीकमगढ़ बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए SP अगम जैन ने बताया कि BSP नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी रानू राजा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास सहित 9 संगीन अपराध पूर्व से दर्ज हैं। और उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनवा देते हैं। 2024 को एक घटना छतरपुर में गजराज होटल पैलेस के पास में हुई थी, जिसमें ईसानगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी। और उस हत्या में हमारी टीम ने तुरंत ही कार्रवाई करना प्रारंभ किया और वर्तमान तक 10 आरोपियों को हम अरेस्ट कर चुके थे, लेकिन उसमें जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा उर्फ राजकुमार सिंह, जो सीगौन ईसानगर का रहने वाला था, वो फरार था। ये व्यक्ति पहले से ही फरार था। 2019 में इसने एक घटना की थी, भूपाल सिंह का मर्डर, उसके बाद में इसने एक अर्जुन सिंह का मर्डर किया था, तभी से फरार था, और अभी इसने महेंद्र गुप्ता की भी हत्या की। तो इसको गंभीरता को देखते हुए आदरणीय IG सर के द्वारा 90,000 रुपये का इस पर इनाम घोषित किया गया, अलग अलग प्रकरणों में 30,000 का। और हमारी टीम इसको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी, आज हमने इसको ढूंढने में सफलता पाई है। इसे जब पकड़ा और इससे पूछताछ की तो एक और नया तथ्य सामने आया कि 2020 में इन्होंने, जब भूपाल सिंह के हत्या में एक प्रमुख गवाह था महेश लोहार और विश्वकर्मा, उसको भी गवाही पलटने के लिए और महेंद्र गुप्ता को पकड़वाने के लिए इन्होंने उसको पकड़ा था, प्रेम जाल में फंसा करके उसको पकड़ा था। पकड़ने के बाद में उसको ले गए, उसकी चाकू मार करके हत्या की, और हत्या करने के बाद में इसके शव को चंबल नदी में फेंक दिया। तो ये जो प्रकरण था ये भी नया सामने आया है। इसका गुम इंसान ईसानगर थाने में पहले से ही पंजीबद्ध था, और वर्तमान में देखा जाए तो इस प्रकार से ये 4 हत्याएं कर चुका था, भूपाल सिंह, अर्जुन सिंह, महेंद्र गुप्ता और महेश लोहार और विश्वकर्मा। तो 4 हत्याओं के सहित 9 अपराधों के दुर्दांत आरोपी अपराधी राजकुमार सिंह और रानू राजा को हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारी टीम बहुत समय से इसमें लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमारे पहले के SP साहब की भी भूमिका रही, सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, और अभी वर्तमान में जो हमारी टीम है, एडिशनल SP विक्रम सिंह साहब और उनके साथ में शशांक जैन, अमन मिश्रा, इनने भूमिका निभाई, निरीक्षक वाल्मीक चौबे, ये लगातार लगे रहे, और जो टीमें हमारी बनी हुई थी अलग अलग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उप निरीक्षक धर्मेंद्र अहिरवार और उनकी टीम सतेंद्र, प्रहलाद, नरेश और धर्मेंद्र की रही, उप निरीक्षक दीपक यादव, अतुल कुमार, किशोर पटेल, वीरेंद्र, राजकुमार, संजय पांडे, सिद्धार्थ शर्मा, संदीप खरे और इनकी टीम, इन सब ने इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं, और इस प्रकार से हम इसको अरेस्ट करने में सफल हुए हैं। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आज नगर के शिवमंगल मौर्य इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव मनाया गया, जिसमें वक्ताओं ने विश्व को मानवता, सत्य, अहिंसा, शांति व भाईचारे का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। 14वां राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन क्षेत्र के
लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर आरपी मौर्य द्वारा किया गया। वक्ताओं ने लोगों से कहा कि ज्ञान बगैर मनुष्य कुछ हासिल नहीं कर सकता, लोगों को बच्चों की बेहतर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जयसिंह मौर्य, भंते शील रत्न, डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, केपी राहुल, डॉक्टर सुनील दत्त, केडी सिंह, भंते धम प्रकाश, संत सत्यानंद त्यागी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बिजली विभाग नहर विभाग का 20 करोड़ का कर्जदार। नहर विभाग ने बिजली विभाग को 20 करोड़ के किराए का नोटिस भेजा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिजली विभाग द्वारा नहर विभाग की जमीनों में नहरों के किनारे बिजली के खंभे बिना अनुमति के लगाए गए, जिसके किराए की वसूली के लिए यह नोटिस बिजली विभाग को जारी किया गया है। वहीं नहर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सियाराम ने मीडिया से बात करते हुए इस पर क्या कहा, सुनिए। सर, बिजली विभाग पर 20 करोड़ किराए का जुर्माना का नोटिस भेजा, क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारे विभाग का एक शासनादेश हुआ है, उसमें ये उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया है कि बिजली विभाग वालों से 100 रुपये पर मंथ पर पोल का किराया वसूल किया जाए। जब से हमारी नहर की पटरियों पर इनके पोल लगे हुए हैं, उसके टाइम की कैलकुलेशन करके और हमने ये नोटिस दिया है। तो कितने का नोटिस है? नोटिस अलग अलग हैं, कई लेटर बनाए हैं, लगभग 20 करोड़ रुपया है। हाँ हाँ, पूरे जिले में लगे हुए हैं। टोटल हमारी नहर है 119 और पोल हैं इनके करीब 3000। कोई नोटिस का जवाब आया है बिजली विभाग की? नहीं, अभी जवाब नहीं आया है। अब ये परमिशन मांगने लगे हमसे जो है पोल गाड़ने के लिए, तो हम परमिशन पे कंडीशनल परमिशन इन्हें दे रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ किराया जमा करें और उसके बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। तो बिजली विभाग जो नहर में पोल गाड़ता है उसे खतरा भी बना रहता है? खतरा बना रहता है। जब हम नहर सफाई करते हैं तो JCB की बूम, पॉकलाइन की बूम कई बार टकराई, कई बार पीछे एक्सीडेंट भी हो गए हैं और आदमी मर गए हैं। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड की मंझोली 2 पंचायत के कुमराडी में हरिवंश सिंह के घर के पास 3 माह से जल मीनार खराब है। 5000 लीटर के जल मीनार के खराब रहने से 40 घर में जलापूर्ति ठप है। स्थानीय लोग किसी तरह स्थानीय स्कूल के चापाकल से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं और अन्य कार्य कर रहे हैं। जल मीनार की टंकी और स्टार्टर में परेशानी है। लगने के बाद से ही टंकी लीकेज, जबकि स्टार्टर लगने के 1 महीने बाद खराब हो गया था। वहीं इस मामले में संवेदक का कहना है कि स्टार्टर बदलने के लिए विभाग को दिया गया है, वापस नहीं मिल पाया है। जैसे ही स्टार्टर बनकर मिलेगा, पानी टंकी भी बदल दी जाएगी और जलापूर्ति से सुचारू कराई जाएगी। पानी दे रहा है नल? नहीं नहीं दे रहा है। नहीं। क्या नाम हुआ? गजेंद्र भुइया। नल में पानी दे रहा है? खोलिए तो। कब से खराब है? 3 महीना। कहाँ घर हुआ? पूरा डी। किस लिए अभी आप लोग गोलबंद हुए हैं? पानी के लिए। क्या दिक्कत हो रहा है? पानी की दिक्कत है। कब से स्ट्रक्चर खड़ा है? 3 महीना से हुआ है, पानी खत्म, टंकी फूटल है। 3 महीना से खराब है? हाँ, तो आप लोग के पानी नहीं मिल पा रहा है नल जल से? मिल पा रहा है पानी। क्या मांग आपका आप लोग के है? पानी के मांग है। और क्या मांग है? परमेश्वर सिंह। कहाँ घर हुआ? कुमराडी। क्या परेशानी है आप लोग खड़ा है यहाँ पे अभी? पानी खाते। तो कितने से पानी आप लोग को नहीं मिल रहा है? 3 महीना। क्या परेशानी क्या हो रहा है इसमें? टंकी से चूता है। कितना घंटा पानी चलता है? मशीनों खराब है। कितना घंटा पानी चलता है? 1 घंटा बस। आप लोग का नल लग गया है? हाँ लग गया अभी। ठीक। कहाँ घर हुआ? घर यही है, उधर है। क्या कारण है आप लोग अभी एकजुट हुए हैं? यह पानी का दिक्कत है। और का कितना दिन से बंद है? वो तो एक आध महीना चला कर बाद जब बंदे है से बंदे है। इंदु देवी। कहाँ घर हुआ? कुमराडी। क्या परेशानी है आप लोग अभी एकजुट हुए हुए? परेशानी है ये कि पानी नहीं मिल रहा है। टंकी भी यहाँ कुमराडी में बनल है तो टंकी भी फूटल मिल गया है। बार बार बोलते हैं तो नहीं, कोई अथी समझ ही नहीं रहेगा। हम लोग को कोई पता नहीं कि कहाँ के ठेकेदार नहीं है। मुखिया जानेंगे? किसके पास जाएं? मुखिया से हम लोग संपर्क किए तो मुखिया बोलबो किए बन जाएगा। और किनको मुखिया बुलाए और मशीन ले गए खोल के, अभी तक मशीन का अभी नहीं किया है। कितना दिन से बंद है? लगभग 2.5-3 महीना हो गया है लगभग में। मेरा नाम राजकुमार हुआ। कहाँ घर हुआ?
घर कुमराडी। क्यों अभी गोल बंद हुए हैं? अभी पानी के चलते पूरा हलचल मचा हुआ है, पानी पानी सब कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत? प्रॉब्लम यही है, करीब लगभग डेढ़ महीना दो महीना से टंकी खराब है और स्टार्टर भी ले गया खोल के। कौन ले गया? स्टार्टर ले गए, कोई आया था कि मुखिया जी के पास गए थे तो वही बुलाए थे उनको, इसके बाद ले गया से उसको ले गए हुए एक महीना तकरीबन हो गया यहाँ से स्टार्टर खोल के, अभी तक स्टार्टर बन के अभी वापस नहीं आया है। और पानी के इतना तापमान बढ़ गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, माल मवेशी सब इसी प्लस में पीला बाहर हम लोग छछन रहे हैं। आपका हरिवंश सिंह, ये जो पीछे आपका जल मीनार दिख रहा है, क्या परेशानी हो रही है इससे आपको? परेशानी है जब से ये खड़ा हुआ है तब से कभी सही चला ही नहीं है, शुरू से हम दो तीन मरतबे इसका अथी किए, उसे बना रहा था ठेकेदार मिस्त्री, उससे भी पूरा बहस किए तो कहा जी बन जाएगा चाचा बन जाएगा, करते करते जो बना के गया दोबारा आया ही नहीं। और पानी जो है से चूता है, जब चलते रहता है मोटर तो तक पानी रहता है, मोटर बंद होने के बाद एक आध घंटे के बाद पानी खत्म हो जाता है, हमेशा चूता है। अब इसके लिए हम बार बार जब भी आया है लोग अथी करने, फोटो लेने आया था जब नहीं सही हो गया दुरुस्त हो गया पास करने के लिए आया था, उस दिन भी हम विरोध किए हैं। बोरिंग का क्या मामला है? बोरिंग का मामला है जे सुनने में आ रहा है जे आए थे साहब चेक करने, उस दिन भी हम बोले थे, हमरा से पूछे थे बोला के हमको, तो हम कहे जे नहीं सी तो 90 फीट मात्र बोर हुआ है अब जिसमें शायद 70 फीट पर मोटर डलाया है। और कितना फीट बोरिंग हो रहा था उस दिन हम सामने थे, सात को पाइप डाला है मैंने। साइन कितना पर कराया गया है? अब साइन तो 250 फीट पर कराया है। साइन 250 फीट, 250 फीट। कौन सा गांव में जल मीनार लगा है? कुम्हराडी है। किसके घर के पास लगा? मेरा ही घर हरिवंश सिंह के है, घर के पास। आपको टोटी लगा है आपके घर के पास? टोटी जैसे कि हम लोग दो पट में परिवार इसमें है, तो बहुत कहने के बाद एक तो लगाया है उधर से वहाँ पर, उसमें भी पानी नहीं देता है, कभी पानी दिया ही नहीं, इसलिए कि अच्छा से घुसाया है ना वहाँ जाम हो गया है। तरहसी से सीनियर संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।